पार्ट नंबर 8 में हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरीज क्या होती हैं। तो मेमोरीज वर्सेस स्टोरेज, फर्स्ट मेमोरी क्या है? मेमोरी एक वर्किंग स्टोरेज है। मेमोरी को हम बोल सकते हैं इट इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग जैसे, जहां हम यूजर के डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी इज लाइक अ स्टोरेज डिवाइस, एक स्टोरेज डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं हम मेमोरी। जब हमें किसी इंफॉर्मेशन, यूजर कोई इंफॉर्मेशन को मांगता है कंप्यूटर से, तो मेमोरी को याद रहता है कि हमें यूजर ने कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी है और हमें उसको कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रदान करना है। मेमोरी कंप्यूटर में नहीं रहेगी तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम जैसे किसी फाइल को खोलते हैं, एक्सेल वर्ड या पावर पॉइंट को, तो उसमें वह भी एक मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। उसको पता रहता है कि यूजर को एमएस एक्सेल की फाइल को खोलना है, उसने इंफॉर्मेशन मांगी है कि हमें एक्सेल की फाइल को खोलकर दो। तो यह सूचना और प्रोग्राम को संग्रहित रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको उपयोग किए जा सकते हैं। तो मेमोरी क्या हुआ, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब मेमोरी भी डिफरेंट टाइप की, कंप्यूटर में मेमोरीज डिफरेंट टाइप की होती हैं। सो हम देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरीज कितने टाइप की होती हैं। फर्स्ट होता है एक निबल, NIBBLE. A nibble is a collection of 4 bits. ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो एक निबल में हमारे 4 bits होते हैं। एक निबल में हमारे 4 bits होते हैं और 8 bits से मिलकर बनता है 1 byte। मतलब एक निबल में हमारे 4 bits और 2 निबल में हमारे 8 bits। सो 8 bits इक्वल टू 1 byte इक्वल टू 2 निबल। अब हम देखेंगे कि बिट्स स्मॉलर, स्मॉलेस्ट एंड जियोबाइट हाईएस्ट। कंप्यूटर में जो बिट्स बिट है वो हमारी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट है, और कंप्यूटर में जो नापने की यूनिट मेजरमेंट रहती है वो जियोबाइट है, वो हाईएस्ट मेजरमेंट यूनिट होती है। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई है वो है बिट, एंड देन सबसे लार्जेस्ट है वो जियो बाइट। 0 और 1 को बिट बोलते हैं। जो कंप्यूटर, हम देखिए कंप्यूटर कोई भी कैरेक्टर्स को नहीं समझता है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता, कंप्यूटर ओनली नोस 0 और 1। इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। तो 4 bits इक्वल टू 1 निबल, अभी रिसेंटली बताया 8 bits इक्वल टू 1 byte। अभी डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, 1 KB में 1024 bytes रहती हैं, 1 KB से मिलकर 1024 bytes बनती हैं, और 1 MB, 1 MB में कितने KB रहते हैं, तो 1 MB में 1024 KB, 1024, और 1 GB, 1 GB में कितने MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB। इसको बोलते हैं गीगाबाइट, इसको मेगाबाइट, किलोबाइट, एंड 1 TB टेराबाइट। 1 TB इक्वल टू 1024 GB, 1024 GB में इक्वल टू 1 TB, और 1 PB पेटाबाइट, 1024 TB, 1 PB इक्वल टू 1024 TB।
अब और भी होते हैं इनमें, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनोबाइट, और लास्ट जो सबसे, जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट एंड बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। टाइप्स ऑफ मेमोरी, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेमोरीज, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी, फर्स्ट हम देखेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरीज को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एक होती है इंटरनल मेमोरी और सेकंड जो हमारी होती है एक्सटर्नल मेमोरी। जो कंप्यूटर के अंदर आती हैं वो हम उनको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। इनको हम प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड मेन मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी रहती है उनको दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम इंटरनल स्टोरेज मतलब प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी, एंड देन एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब, एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब सेकेंडरी मेमोरी जो हमें कंप्यूटर के अंदर नहीं आती हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी इसको हम बोल सकते हैं। ऑक्स जैसे आपने सुना है, ऑक्स, AUX, ऑक्स केबल जो हमें हेल्प करती है, ऑक्स का मतलब ही है हेल्प। तो ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम देखेंगे कि इंटरनल मेमोरी के अंदर कौन से टाइप की मेमोरी आती हैं। इंटरनल मेमोरी में हमारी फर्स्ट जो मेमोरी है, आपको सिर्फ दो ही मेमोरीज को याद रखना है इंटरनल मेमोरीज के अंदर। एक ये जो हम बताएंगे कैश और वर्चुअल, बाद में बताएंगे कि ये क्या होता है। फर्स्ट आपको इंटरनल मेमोरी में रैम, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ वही समझाएंगे। हमें आपको 2-3 घंटे लेक्चर नहीं लेना है कि इन डेप्थ भी जाए। जो फर्स्ट प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसको वही समझाएंगे आपको। तो कंप्यूटर्स मेमोरी में को कितने भागों में बांटा गया है, दो, एक इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल। और इंटरनल मेमोरीज के अंदर कितने टाइप की मेमोरी आती हैं, रैम और रोम। फर्स्ट हम देखेंगे कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब रैम के अंदर भी दो टाइप की मेमोरीज आती हैं, एक SRAM, SRAM का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड देन DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम, रोम के अंदर कौन से प्रकार की मेमोरी आती है, MROM, PROM, EROM, EPROM और EEPROM। ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि रैम क्या है। रैम और रोम सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे। अब हम देखेंगे कि रैम क्या है हमारा और रोम क्या है। नाउ हम देखेंगे कि रोम क्या है। अब रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, और फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि इसमें सूचनाएं, जो इंफॉर्मेशन रहती है उसमें परमानेंट रहती है स्टोर, मतलब कि बिजली के चले जाने पर सूचनाएं नष्ट नहीं होती हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। आप देखो कि जब हम कंप्यूटर या मोबाइल को बंद करते हैं तो हमारी जो क्लॉक है, घड़ी, तो जब हमने कंप्यूटर मोबाइल बंद कर दिया तो वो तो बंद हो गई ना घड़ी। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट वही टाइम बताता है कंप्यूटर
जो हमारा रियल टाइम चल रहा होता है इंडिया में, तो उसको कैसे याद रहता है कि 12:24 ही हुआ है। तो ये सब रोम में स्टोर है, तो रोम का मीनिंग रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम रीड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, राइट नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका इट डज नॉट लूज पावर, इट डज नॉट लूज इट कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। मतलब हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते। अनदर एग्जाम्पल, रोम को सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है, बार बार नहीं लिखा जा सकता। मतलब कोई कंप्यूटर या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब बनाया जाता है तो उसमें कोड एक बार ही लिखे जाते हैं, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ ऐप वगैरह आपने देखे मोबाइल में आते हैं तो वो कभी अनइंस्टॉल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम रीड ओनली मेमोरी में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, ओनली रीड ही कर सकते, राइट नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ जो आपने देखा होगा नोट पैड, ये सब रोम में स्टोर लिखी जाती हैं चीजें, रीड कर सकते हैं हम, उनको राइट नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शंस को एक बार ही जब कंप्यूटर बनता है तभी रोम में स्टोर रहती हैं इंफॉर्मेशंस को, जो प्रोग्रामर रहता है वो एक बार ही लिखता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। वो क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जैसे कि क्लॉक और भी बहुत सारी चीजें हैं, गैलरी के एप्स, फाइल्स, मेमोरीज जो रहती हैं वो सब रोम में लिखी जाती हैं, रीड ओनली मेमोरी में। कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप ये समझे कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो बिजली के चले जाने पर इसमें चीजें याद रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें एक बार इंफॉर्मेशन को लिखी जाती है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि हम इसमें रीड भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, राइट भी कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब कि जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं या वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, कुछ एडिट करते हैं, तो उसके बाद हम अगर बिना डॉक्यूमेंट को सेव किए हमारा पावर चला गया तो सारी इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाती हैं, जो कि रोम में नहीं होती हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें पावर जाने पर ये इसको याद रहती हैं चीजें। और रैम में जब बिजली नहीं रहती है, पावर चली जाती है, तो हमारा डाटा इरेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अगर हम उसको सेव नहीं कर सकते करते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम में भी दो प्रकार की मेमोरी रहती है, एस रैम और डी रैम जो हमने अभी बताया, और रोम में पी रोम, EPROM और EEPROM। तो हम चल रहे थे कि हमारा रोम क्या है, तो रोम में एम रोम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट हम देखेंगे कि पी रोम क्या है। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को हम स्टोर करने के पश्चात बदले या मिटाए, डिलीट नहीं किए जा सकते। मतलब प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम किया हमने, लिखा और मिटा नहीं सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो डिलीट नहीं कर सकते एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद, हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। तो फर्स्ट यही चीज आपको याद रखना है कि प्रोग्राम करने के बाद पी रोम में हम मिटा नहीं सकते इंफॉर्मेशन को, डिलीट नहीं कर सकते। एंड देन ईपीआरओएम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे कि इसकी नाम से ही पता चल रहा है कि इरेजेबल मतलब कि हम इसमें प्रोग्राम को मिटा सकते हैं। इस मेमोरी में हम प्रोग्राम हटाने के लिए, मतलब
जब अगर हमें इस मेमोरी को प्रोग्राम को हटाना है, डिलीट करना है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से इसमें प्रोग्राम को मिटाया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद ली जाती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इट इज सिमिलर टू PROM, बट प्रोग्राम हम इसमें मिटा सकते हैं, वो भी कैसे, अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से। फिर हम उसमें प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इसमें भी बेसिक छोटा सा माइनर डिफरेंस है EPROM और EEPROM। तो हम देखेंगे कि EEPROM अब क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फर्स्ट फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम इसको फ्लैश मेमोरी भी बोल सकते हैं, द अदर वर्ड वी कैन से फ्लैश मेमोरी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल लाइट के द्वारा, सॉरी, इलेक्ट्रिकली हम इसमें प्रोग्राम को इरेज करते हैं, मतलब विद्युत तरंगों के द्वारा इसमें हम प्रोग्राम को मिटा सकते हैं। अब देखिए कि EPROM और EEPROM में माइनर एक डिफरेंस है, तो क्यों है ये EPROM और EEPROM, फिर क्यों बनाया गया इसको, तो कुछ होगा डिफरेंस। जैसे कि EPROM में अगर हम डेटा को मिटाएंगे, तो हमारी एक कंडीशन है कि हम पूरे डेटा को मिटाना जरूरी है। कुछ प्रोग्राम हमने लिखे और हम नहीं चाहते कि हमें सारे डेटा को मिटाना है, तो इसमें एक कंडीशन है कि EPROM में हमें पूरे डेटा को मिटाना पड़ेगा ऐसा। और EEPROM को डेवलप क्यों किया गया कि हमें सिर्फ कुछ पार्ट की प्रोग्राम को ही मिटाना है, तो इसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है, फिर उसमें री प्रोग्राम किए जाते हैं। देन इसमें हम कुछ पार्ट को हटा सकते हैं और फिर री रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि EPROM में हमें पूरे डेटा को मिटाना पड़ेगा, फिर हम पूरे डेटा को लिख सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। पावर के कट रहने पर हमें इसमें इसको चीजें याद रहती हैं, इसमें चीजें बनी रहती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा इसको एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। तो रीड ओनली मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इट डज नॉट लूज इट कंटेंट और इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दो ही क्वेश्चन इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नॉन वोलेटाइल और द अदर वर्ड वी कैन से रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। पावर के कट होने पर इसमें इंफॉर्मेशन सेव रहती है, ये कभी अपनी इंफॉर्मेशन को भूलता नहीं है, और रैम में पावर कट होने पर इंफॉर्मेशन लूज हो सकता है, मतलब डेटा लॉस हो सकता है। इसमें सूचनाओं को पढ़ा और लिखा जा सकता है, क्योंकि रैम एक सॉरी इसमें सूचनाओं को पढ़ा और लिखा जा सकता है। क्यों, हम लिख रहे हैं ना इंफॉर्मेशन को वर्ड में, हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव वर्ड में लिखते हैं फिर उसके बाद सेव करते हैं, और अगर उसको डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करेंगे तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा, और जब हम पावर को ऑन करेंगे तो हमें डेटा वहां से नहीं मिलेगा। और रोम में क्या रहता है, जैसे हम किसी मोबाइल या एप्लीकेशन को खोलते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा द्वारा जितनी भी एप्लीकेशन रहती है वो हमें बार बार सेम एस वही दिखती है। और रैम में हम प्ले स्टोर से इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते हैं, किसी ऐप को, तो ये सारी चीजें रैम में जाके सेव होती हैं। और रैम और रोम में भी लिटिल बिट माइनर डिफरेंस है। कैश मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ये हम अभी बताएंगे कुछ देर बाद। फर्स्ट हम देखेंगे कि एस रैम क्या है हमारी। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम, और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट हम देखेंगे कि ये एस रैम डी रैम की तुलना में स्पीड वाली फास्ट मेमोरी है। डी रैम के एज कंपेयर टू डी रैम, एस रैम एक फास्ट मेमोरी है, और यह महंगी भी है, मतलब इट इज वेरी कॉस्टली।
इसमें जो इंफॉर्मेशन रहती हैं वो सूचनाएं स्थायी रूप से स्टोर रहती हैं, परमानेंटली स्टोर रहती हैं, जैसे कि रोम में सूचनाओं को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, और डीरैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये इतनी कॉस्टली नहीं रहती है और ना ही फास्ट रहती है। एसरैम के कंपेयर में ये थोड़ी सी स्लो वर्क करती है और इसीलिए ये थोड़ा सा चीप रहता है। इसके दो ही, इसका फर्स्ट बेसिक आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इतना डीप नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में। और देन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम में सूचनाएं परमानेंट रहती हैं और डायनेमिक में रिफ्रेश होती रहती हैं सूचनाएं, मतलब डायनेमिक रिफ्रेश होती रहती है बार बार, इंफॉर्मेशन तो रीजनरेट होती हैं। इसको हम फर्स्ट, अब हम इसके बाद देखेंगे फर्स्ट कैश मेमोरी क्या है। तो कैश मेमोरी इंटरनल मेमोरी के अंदर आती है और ये रोम और सीपीयू के मध्य कार्य करती है। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी, इट इज वेरी कॉस्टली, सबसे ज्यादा महंगी कैश मेमोरी रहती है। तो इसको फर्स्ट हम बोलते हैं वेरी हाई स्पीड मेमोरी, इन बिटवीन रैम और सीपीयू के मध्य में ये कार्य करती है। जब इंफॉर्मेशन को बार बार मांगा जाता है तो सीपीयू में कैश को पता रहता है कि ये इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा बार मांगी जा रही है, तो यही कैश मेमोरी लाकर वो इंफॉर्मेशन को देती है। और कैश मेमोरी बहुत महंगी रहती है, मतलब कैश मेमोरी का स्टोरेज 256 KB से 2 MB तक रहता है, ज्यादा नहीं होती है। कैश मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज अ स्मॉलर इन साइज जनरली। कंप्यूटर हैव कैश मेमोरी साइज 256 KB टू 2 MB, 2 MB तक। इट इज वेरी कॉस्टल। और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? जब हमारे कंप्यूटर में रैम की आवश्यकता कम होती है, रैम समझ लीजिए हमने बहुत सारे एप्स को डाउनलोड किया और हमारी रैम फुल हो गई, जो मेमोरी है वो हमारी फुल हो चुकी है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके पास एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है, तो कंप्यूटर क्या करता है, जो जो रैम के एप्स रहते हैं जो सबसे ज्यादा वर्क नहीं कर रहे रहे वर्क नहीं कर रहे होते हैं, मतलब डोरमेंट है, बंद है जो ऐप, उनको यूज में नहीं लिया जा रहा है, तो रैम क्या करेगी, सॉरी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है कि ये हार्ड डिस्क में अपनी छोटी सी मेमोरी को ट्रांसफर कर रहा होता है, कि जो रैम में ऐप सेव हैं और यूज में नहीं है, तो उसके उस मेमोरी को हार्ड डिस्क में भेज देता है ताकि कुछ काम में लिया जा सके। एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर देता है ताकि और एप्स को डाउनलोड किया जा सके और मल्टीपल प्रोग्राम्स को कर सकें हम। सो इट इज अ वर्चुअल मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं होती है बट अपने आप क्रिएट हो जाती है ये वर्चुअल मेमोरी, और सीक्वेंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट कंप्यूटर मेमोरीज को दो भागों में बांटा गया है, एक इंटरनल एक्सटर्नल, देन कैश मेमोरी। कैश मेमोरी से भी तेज होते हैं रजिस्टर्स, रजिस्टर्स अगर ऑप्शन में है कौन सी एक्सपेंसिव और सॉरी कौन सी सबसे तेज तीव्र गति की मेमोरी है तो कैश मेमोरी है, और अगर उसकी जगह नाम आया रजिस्टर तो हम रजिस्टर पर टिक करेंगे कि रजिस्टर्स हमारे तीव्र गति के मेमोरी है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी दो चीजें आती हैं, एक मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और मैग्नेटिक स्टोरेज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्टिकल और मैग्नेटिक, मतलब
सॉलिड स्टोरेज फर्स्ट आपको दो याद रखना है, एक मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, सॉलिड स्टोरेज इन्हीं के अंदर आते हैं। सो मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे कि ये देख रहे हैं आप, और ऑप्टिकल मतलब गोल, जो सीडी, डीवीडी एक्सेट्रा। और सॉलिड के अंदर हमारी कौन सी आएंगी? यूएसबी, पेन ड्राइव, इनके डायरेक्टली आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन की। ऑप्टिकल स्टोरेज कौन से हैं? सीडी और डीवीडी। मैग्नेटिक कौन से हैं? एचडीडी, आजकल तो एसएसडी आ गया है, एसएसडी। देखेंगे अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में। सॉलिड स्टोरेज ये पोर्टेबल होते हैं, इसको पॉकेट में रख सकते हैं हम। यूएसबी मेमोरी, तो ये जो हम कंप्यूटर जब खरीदते हैं तो हमें इंटरनल मेमोरी मिलती है, और एक्सटर्नल मेमोरी हमारी कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी रहती है हमारी कंप्यूटर की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये अलग से फिट किए जाते हैं कंप्यूटर में डेटा को स्टोरेज प्रदान करने के लिए। और एचडीडी में भी दो प्रकार की मेमोरी आती है, हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सॉलिड स्टोरेज और सीडी डीवीडी ऑप्टिकल के अंदर आते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्सटर्नल मेमोरी दो भी दो प्रकार की होती है, एक मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक के अंदर कौन कौन सी आती हैं? एचडीडी, जो मैग्नेटिक मैग्नेट को यूज में ला यूज करते हैं, मैग्नेटिक स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को मैग्नेटिकली। देन ऑप्टिकल ड्राइव कौन सी हैं? तो हम फर्स्ट देखेंगे कि सीडी और डीवीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी है। इनकी आती है स्टोरेज क्षमता, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में जो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, हम वही बताएंगे कि फ्लॉपी डिस्क किसको बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क 5.25 MB की एक स्टोरेज इंच रहता है, जिसको 1.2 MB लोड कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी रहती है? 1.2 MB स्टोरेज। एंड देन 3.5 इंच की एक फ्लॉपी रहती है, 3.5 इंच की स्टोरेज वाली क्षमता, 3.5 इंच की फ्लॉपी, उसकी स्टोरेज 1.34 MB। ये आता है आपको क्वेश्चन में। एंड देन सीडी रोम, डीवीडी रोम, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में 1 GB टू 512 GB, मतलब 512 GB तक की स्टोरेज क्षमता रहती है फाइव इसकी। और मैग्नेटिक टेप मतलब ये पुराने जमाने की जो कैसेट रहती थी, उनमें रोल जो रहता था वो मैग्नेटिक टेप उसको बोलते हैं, उसकी स्टोरेज क्षमता अप टू 1 TB रहती है। डायरेक्टली इसको क्वेश्चन आते हैं कि फ्लॉपी डिस्क 5.25 MB, 5.25 MB फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी है? 1.2 MB। और 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी है? 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क की क्षमता। तो फ्लॉपी डिस्क फर्स्ट हम देखेंगे कि होती क्या है। यह एक प्लास्टिक डिस्क रहती है, जो स्टोरेज पुराने जमाने में स्टोरेज के लिए यूज की जाती थी, स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन और डेटा को। इसकी क्षमता कितनी रहती है फ्लॉपी डिस्क? पतली सी एक फ्लॉपी। फ्लॉपी हम किसे बोलते हैं? फ्लॉपी हम बोलते हैं एक रेक्टेंगुलर स्टोरेज डिस्क रहती है, जिसमें हम एक पॉइंट, आप देख पा रहे हैं कि कितनी सी कम क्षमता वाली स्टोरेज ये डिवाइस है, 1.44 MB। एमबी मतलब मेगाबाइट, सिर्फ इसमें स्टोर किया जाता था डाटा, कर सकते थे, तो उसको बोलते हैं हम फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क में हम
1.2 MB, मतलब 44 से भी कम, 1.2 MB को स्टोर कर सकते थे, और 3.5 इंच की फ्लॉपी में 1.44, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क 8 इंच, फ्लॉपी डिस्क 8 इंच, देखिए एक 5.25 और दूसरा 3.5 इंच, एंड देन 8 इंच की फ्लॉपी में हम 1 TB, सॉरी 80 KB से 242 KB तक स्टोर कर सकते थे। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। रोम क्या है ये हम बता चुके हैं, रैम क्या है ये भी हम बता चुके हैं, रोम ऐसी दिखती है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी देख लीजिए, इट इज अ हार्डवेयर, मैग्नेटिक टेप ये भी बताया, पेन ड्राइव, SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ये है जो भी बताया आपको, ऑप्टिकल स्टोरेज, LCD रोम, DVD, ये हमारी अब हार्ड डिस्क नहीं आती, मतलब कि कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क फुल है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता कम है, कम होती है, हमें कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बढ़ानी है तो हम SSD का इस्तेमाल करते हैं। SSD इज वेरी कॉस्टली और एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका फुल फॉर्म आता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, DRIVE, और हार्ड डिस्क ये एक ऑप्टिकल डिस्क है, लगभग 3-4 हजार से 1000 रुपए की आती है, बट ये SSD के मुकाबले बहुत ही, SSD बहुत फास्ट मेमोरी होती है, देख रहे हैं आप, 4 TB 1.2 SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये कोई ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसमें कोई भी, इसको गिर जाने पर भी कुछ नहीं होता, मतलब कोई टूट फूट नहीं होती। आप कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क की तुलना में SSD बहुत महंगी कॉस्टली रहती है और बहुत ही फास्ट वर्क करती है SSD एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। सिर्फ याद रखना है हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है और SSD का फुल फॉर्म क्या है, SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव। और एक और क्वेश्चन कि हार्ड डिस्क क्यों बनाई गई थी, ज़्यादा स्टोरेज क्षमता के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है, अधिक सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए, ये रीड एंड राइट ड्राइव है, इसमें हम सूचनाओं को लिख व पढ़ सकते हैं, प्लेट्स, सेक्टर्स और बहुत सारी चीजें आई थी इसमें, छोटी होती है आकार में, देन हम अब मिलेंगे अगले पार्ट में।